हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अंजू मलिक। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं फेशियल किट। वो ऐसी फेशियल किट है जो कि बहुत सस्ती भी है, ऑल स्किन टाइप है, जिसका रिजल्ट बहुत ही औसम है, जिसको मैं यूज करती हूं और मुझे काफी पसंद भी है। तो मैं इनको है ना, वैसे तो मैं इकट्ठी मंगाती हूं, मंत्रा से है ना 50% ऑफ में मिल जाती है ये। तो चलो मैं आपको बता दूं मैं कौन सी किट के बारे में। फेशियल किट है ना, बहुत ही अच्छी किट है और इस किट के बारे में बताती हूँ। देखो तो देखो ये किट है ना, मैंने 5 इकट्ठी मंगा ली थी। मैंने ये किट मंगाई थी, पहले इसका मुझे रिजल्ट अच्छा लगा, फिर मैंने ये 5 मंगाई है। मंत्रा से मुझे मिल गई थी और काफी सस्ती। एक फेशियल किट मुझे सिर्फ 75 रुपए की पड़ी है। इसमें से ना हमारी 2 फेशियल हो जाएंगे, तो 50-50 मान लो तुम है ना, 50-45 रुपए में हमारे एक फेशियल हो जाता है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। और इसकी स्टेप बता देती हूँ आपको। देखो इसकी ये 6 स्टेप है, मतलब ये वाइन फेशियल किट हम किस तरीके से करते हैं मैं आपको बताऊंगी। और इसका रिजल्ट आप साथ के साथ ही देखते हैं ना, क्योंकि इसका रिजल्ट है ना अपन को तुरंत देखने को मिल जाता है। तो चलो बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, अपने फेस को क्लीन करना है ना। तो ये क्लींजर है, पहली स्टेप क्या है इसमें, क्लींजर है। इसको क्या करूंगा, हल्के हाथ से पहले पूरे फेस पर लगा लूंगी है ना। तो देखो फेशियल करते हैं तो अपन पहले अपने फेस को क्लीन करते हैं ना। जब पता है, जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ ना, तो ये मक्खी पता नहीं क्यों मुझे परेशान करती है। इसको कैसे पता चल जाता है मैं वीडियो बना रही हूँ, बहुत ज्यादा परेशान करती है ये मुझे। तो चलो फिर आते हैं हम अपनी स्टेप पे। हल्के हल्के हाथ से मसाज करनी है, 3 से 4 मिनट तक है ना हल्के हाथ से मसाज करनी है, जिससे क्या होगा सारा जो डर्ट वगैरह होगा ना वो निकल जाएगा हमारे फेस से। तो अब मैं इसको वॉश करके बताती हूँ। तो देखो ये मैंने वॉश कर लिया है। अब देखो वॉश करने के बाद क्या करना है, हमारी जो दूसरी स्टेप है ना वो है स्क्रब। तो ये है ना जो स्क्रब है ना, ये जेल फॉर्म में है, देखने में बहुत सुंदर लग रहा था, खुशबू बहुत ही अच्छी थी इसकी है ना। तो देखो वही मैं ना इसको फेस पे लगाऊंगी, पूरे फेस पे लगा लूंगी पहले है ना। फेस पे लगाने के बाद इसमें है ना क्या करना है, अपन को मसाज करनी है। तो स्क्रब की मसाज है ना अपन को 5 मिनट तक करनी है, जहाँ ब्लैकेट्स वाइटर्स हो ना वहाँ अच्छे से मसाज कर लें, जिससे हमारे ब्लैकेट्स वाइटर्स निकल आए। तो इस तरीके से मैं मसाज कर लूँगी, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी, वरना है ना वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है और ज़्यादा बड़ी वीडियो है ना फिर देखने में अच्छी नहीं लगती। तो फिर मैंने अब इस स्क्रब को क्लीन किया है। स्क्रब के बाद आएगा जेल, जो तीसरी स्टेप है ना हमारी, वो जेल है। और है ना जेल लगाने के बाद अपना जो फेस है ना इतना मतलब ठंडा हो गया था, बहुत ही अच्छा लग रहा था, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी थी। तो ये मैंने जेल की मसाज की है। जेल की मसाज ये मैंने 5 मिनट के लिए की थी, 5 मिनट जेल की मसाज करनी है अपन को है ना, जिससे हमारे फेस को है ना अच्छा सा ग्लो मिल जाए। देखो जिनकी है ना नॉर्मल स्किन होती है ना, वो तो 5 मिनट के लिए ना जेल की मसाज करें, और जिनकी बहुत ज़्यादा ड्राई होती है ना वो 8 से 8 मिनट तक है ना इसकी मसाज करें, जिससे क्या अच्छा ग्लो आ जाएगा और ड्राइनेस खत्म भी हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने देखो अपने जो जेल की है ना मसाज की है। अब इसको क्या करेंगे, मैं इस जेल को मैं निकाल दूंगी है ना, आपकी मर्जी, आप इसको निकालना चाहो या नहीं। इसके ऊपर है ना हम क्रीम भी लगा सकते हैं, पर मैंने इसको निकाल दिया है। अब ये है ना क्रीम की स्टेप है, 4th स्टेप है ना इसमें क्रीम है। और क्रीम देखो देखने में कितनी अच्छी लग रही थी, तो इसमें क्रीम बहुत है। अब देखो ये वाली फेशियल किट ना, इसमें से 2 फेशियल हो जाते हैं, और इसके MRP है ना, इसके MRP है 150। तो इसमें देखो 2 फेशियल बड़े आराम से हो जाते हैं ना। तो ये है ना अगर हम मंत्रा से, जैसे 5 का पैक आता है पूरा, अगर हम मंगाएंगे ना मंत्रा से, तो ये हमें 50% ऑफ ही मिल जाती है। अब देखो हम क्रीम की मसाज करेंगे। क्रीम की मसाज में क्या है, अपन को टाइम देना होता है, 15 से 20 मिनट तक इसकी मसाज करनी होती है, सारी स्टेप है ना फॉलो करनी होती है, और सारे पॉइंट दबाने पड़ते हैं, जिससे क्या है हमारा ग्लो अच्छा आ जाए। तो देखो मैं आपको है ना बता देती हूँ इसकी स्टेप। पहले अपन को ना जो हमारी चिन है ना, यहाँ से थोड़ी 2 फिंगर लेके है ना हल्के हाथ से मसाज करनी है, इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ, आप देखते जाओ। आप भी है ना इसी तरीके से ट्राई करना, ऐसे करोगे ना तो आपका फेशियल का ग्लो है ना बहुत ही अच्छा आएगा। तो इस तरीके से 2 फिंगर लेके जो अपना जो लिप्स एरिया है ना वहां पर अपन को दबाना है। देखो सारी जो पॉइंट होते हैं ना हम दबाते हैं ना, तो उनसे क्या होता है हमारा ग्लो है ना बहुत ही अच्छा आता है। और इस फेशियल को आप है ना किसी और पर भी करवा सकते हो, जैसे खुद पे नहीं हो पाए तो आप किसी की हेल्प है ना, किसी की हेल्प ले सकते हो और अपना फेशियल करा सकते हो। देखो जैसे हम किसी और पे कराते हैं ना तो बड़े आराम से हो जाता है, लेकिन हाँ कभी भी है ना ऐसा टाइम आ जाए कि कोई नहीं है और अपन को फेशियल करना, तो हम खुद से भी कर सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ। तो इस तरीके से आपको है ना आप पूरे फेस पर अच्छे से मसाज करनी है। ये वाली मसाज में है ना देखो टाइम तो लगता है, 15 से 20 मिनट हमारी लग जाती है, लेकिन मसाज अच्छी देनी होती है, इससे क्या हमारे फेशियल का ग्लो बहुत ही अच्छा आएगा। तो इस तरीके से देखो ये मेरी मसाज हो गई है, और मैं अब इसको
क्रीम को निकाल रही हूँ, है ना। अब देखो जैसे फेशियल करते करते ना इसका साथ के साथ में ना ग्लो भी मिल जाता है। तो देखो ये मेरा जो क्रीम की मसाज है ना हो गई है। अब क्रीम की मसाज अच्छे से करनी होती है, तो ये मैंने क्रीम की मसाज किया। अब ये हमारा जो पांचवा स्टेप है ना, ये है मास्क। मास्क के बिना तो सारी फेशियल किट अधूरी होती है ना। और आप है ना ये मास्क वैसे भी यूज कर सकते हैं हफ्ते में एक बार। तो ये मैंने देखो मास्क लगाया है और मैं फिंगर से ही लगा लूंगा। ब्रश से लगाओ तो ब्रश से लगा लो, वरना फिंगर से भी लगा सकते हो जैसे मैं लगा रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने ये पूरा जो फेस मास्क है ना लगा लिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो ना तो वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो, ठीक है। क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, इतनी अच्छी अच्छी वीडियो बनाती हूँ, और आप है ना चैनल को सब्सक्राइब तो करते नहीं हो, तो आप है ना चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब देखो मेरा ये फेस मास्क सूख गया है, 10-15 मिनट में ये सूख जाता है। अब अपन को है ना ऐसे डायरेक्ट नहीं हटाना है, हल्के हाथों को गीला करना है, हल्की सी मसाज करनी है इस तरीके से जैसे मैंने की है। और फिर जब इस पैक को निकालना है तो ये पैक है ना आसानी से निकल भी जाता है, हमारे फेस पर कोई भी दिक्कत नहीं होती। अगर हम डायरेक्ट इसको निकालेंगे ना तो फेस पर दिक्कत होने के चांस रहते हैं, तो अपन को हल्के हाथ से मसाज करके तब हटानी है। अब ये लास्ट है सीरम, हमारा पूरा फेशियल हो गया है, हमारे ओपन पोर्स है ना सारे खुल गए होंगे, तो उनको बंद करने के लिए अपन को है ना सीरम लगाना है। और सीरम से है ना काफी अच्छा ग्लो भी आता है। तो अपनी पूरी फेस पर सीरम लगा लेना, और जैसे हम कहीं बाहर भी निकलेंगे तो धूल मिट्टी हमारे फेस पर आएगी, तो इससे क्या है हमारा सीरम हमारे फेस को ना धूल मिट्टी से बचाता है। और आप है ना कोशिश करना ये फेशियल है ना हमेशा रात को किया करो, जिससे ग्लो है ना बहुत अच्छा आता है, और है ना फेशियल के बाद धूल मिट्टी से हमारे फेस को बचाता है। किट बहुत ही अच्छी है, जिसकी शादी है, जिसका बजट नहीं है ज्यादा महंगी जो फेशियल कराने का ना, वो इसको जरूर ट्राई करे। एक बार ट्राई करोगे ना आपको साथ के साथ रिजल्ट भी मिलेगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट भी अच्छे अच्छे करके जाना, ठीक है। बाय बाय।